हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना मैं अनुष्का को स्कूल के लिए छोड़ करके आई हूँ, उसकी गाड़ी में बैठा करके आई हूँ, क्योंकि आज मैं ही गई थी अनुष्का को छोड़ने के लिए। अनुष्का के पापा जी घर पर नहीं हैं, तो मैं ही गई थी और अभी छोड़ करके आई हूँ। और काफ़ी दूर जाना पड़ता है उसको, है ना। मुझे ऐसा लगता है देखने में कि ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब चल करके जाते हैं ना, तब पता चलता है। खुद से करते हैं तब पता चलता है कि कितना दूर है या कितना नज़दीक है। तो मैं छोड़ करके आई हूँ उसे और अभी आ करके बैठी हूँ। वैसे तो मेरा घर का काम हो गया है, और खाना वगैरह का क्या है कि अनुष्का स्कूल गई है और वो आज लेट गई है। 9 बजे का उसका टाइम था, क्योंकि आज संडे है, तो इस वजह से गई है कि उसके स्कूल में फंक्शन है 14 अप्रैल को, तो वह उसकी तैयारी वगैरह चल रही है, इसलिए वो स्कूल गई थी। तो उसने मतलब प्रोग्राम में भाग लिया है, जो भी वहाँ फंक्शन होंगे, जो जिन बच्चों ने भाग लिया है वो गए हैं आज। तो अनुष्का गई है और बच्चे गए हैं, लेकिन सब बच्चे नहीं गए हैं। तो छोड़ करके आई हूँ। खाने का क्या है कि खाने में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी, पराठा और रायता बनाया है। तो अनुष्का को तो लंच लगा कर दे दिया है, और सब्ज़ी बना करके, मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार बनाए, मैंने एक साथ ही बना ली थी, और रायता भी और आटा लगा करके रख दिया है। तो मैं व्रत नहीं हूँ, ना ही मैंने अनुष्का को रहने दिया है। मैंने कहा स्कूल जाती है, लेट आती है, बच्चा है ना, तो मैंने कहा कोई नहीं, हम कल रहे थे, अब हम पूरे नवरात्र व्रती नहीं रहेंगे। तो वो तो हो गया है, बस मुझे अपने लिए खाना बनाना है। और अनुष्का के पापा जी का तो पता नहीं, अगर वो मतलब खाना मंगाएंगे तो फ़ोन कर देंगे, अगर कहीं दूर चले जाएंगे तो नहीं जाएगा खाना। तो उनका तो कोई पता नहीं, अनुष्का के पापा जी कब कहाँ चले जाएं, उनकी कोई जानकारी नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे पोछा लगाना है, बस मुझे पोछा लगाना है। उसके बाद मुझे पशुओं को अंदर करना है, थोड़ी सी वहाँ पर साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद मुझे नहाना है। और धूप इतना तेज़ हो जाती है, 9 बजे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कितनी तेज़ वाली धूप हो रही है, बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है, है ना। और हाथ का क्या, और क्या है कि जब हम पढ़ते थे ना, जब तब हमें इतनी टेंशन नहीं थी, है ना, लेकिन बच्चों के जब पढ़, अब जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी तो इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है, खाने की भी, है ना, छोड़ के आने की भी, हर बात की। पहले ऐसा नहीं था कि हमको कोई छोड़ने के लिए जाए, अगर ऐसे जाया करते तो शायद वो तो काम भी नहीं कर पाते, है ना। पहले काम भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो अब तो मतलब उसके हिसाब से फिर ना, समय के हिसाब से हर चीज़ देखनी पड़ती है, जैसा टाइम होता है वैसा ही काम करना पड़ता है ना। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी हो गई। अब मेरे हाथ का क्या है कि हाथ में ना दर्द बहुत ज़्यादा है और दुखन भी, मुझे तो लगता है मतलब है 50% मुझे आराम है, लेकिन बिल्कुल आराम ऐसा नहीं है कि मुझे अब भी ना, मैं हाथ तो चलो मैंने ये मान लिया कि 15 दिन से ऐसा था, तो उस वजह से भी सीधा नहीं हो पा रहा, लेकिन दुखन भी ऐसी ही है, है ना। थोड़ी बहुत तो कम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाथ सही नहीं हुआ है, है ना, बहुत ज़्यादा दुखन है। तो चलो देखते हैं क्या होगा, अब उसमें गलती तो अपनी भी है, है ना, जब रेस्ट नहीं दे पाए तो फिर क्या है, तो होता ही ऐसा। और देखिए, मैं आज इसको धोने की भी सोच रही हूँ, इसकी पत्तियों पर ना बहुत ज़्यादा धूल सी बैठ गई है, तो इसको भी धोऊंगी। तो चलिए पहले काम कर लेती हूँ, वरना मैं पोछा यहाँ पर रख करके बैठी हूँ, मैंने सोचा, और थोड़ी सी हवा ले रही हूँ, पंखा चला रखा है, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँ, वीडियो की शुरुआत कर लूँ। और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर न्यू है कमेंट करना ना भूलें। और मैंने ना गले में कल वो पहना था ना, वो मैंने उतार दिया है, पता नहीं क्यों उससे पहना ही नहीं जाता। जैसे कोई फंक्शन है, कोई त्यौहार है, या कहीं हमें जाना है, बस तब, है ना, फिर पता नहीं कि घुटन सी होती है, मेरे बहुत ज़्यादा घुटन सी होती है, लगता है कि इसे उतार दूँ। तो मैंने कल उतार दिया था वो, देखिए, और जब मैं इसको उतार देती ना, फिर अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं काम, और करते हैं आपके साथ शेयर।
देखिए पशुओं को मैंने अभी अंदर कर दिया है। ये देखिए सारे पशु अंदर आ गए हैं, और इधर ना तेल के ड्राम रखे हुए हैं जो कि ट्रैक्टर के लिए तेल आया है। ये देखिए यहाँ से यहीं पर रखे हुए हैं। ये देखिए इन दोनों में ही तेल है ट्रैक्टर के लिए, जो कि ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इस टाइम, तो यहीं पर रखे हुए हैं। और अभी ना मैं इधर साफ़ सफाई करूँगी, ये वाली सारी ही साफ़ सफाई करूँगी अभी। देखिए धूप कितनी तेज़ है आप देख सकते हो, और ऊपर कपड़े सूखे हुए हैं जो कि मैंने धो करके सुखा दिए हैं। ये देखिए और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। पहले जा रही हूँ मैं भूस लेने के लिए, क्योंकि ना पशुओं के ना सानी कर दूँगी अभी, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी भी, इसलिए तो पहले मैं इधर से थोड़ा सा भूस ले करके जाती हूँ। और ज़्यादा नहीं लेना है मुझे, बस एक इतना ही लेना था, इसी को लेकर के जाऊँगी, क्योंकि खोर में ना पड़ा हुआ है भूस कुछ। तो चलिए चलते हैं। चल हट, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और मैं पशुओं के लिए सानी कर देती हूँ। तो गाइस अभी अभी मैं नहा करके आई हूँ, और बाल ना मैंने कंघी नहीं किए हैं, ऐसे ही मतलब बांध रखे हैं, क्लेचर लगा रखा है, क्योंकि ना मैं सोच रही हूँ कि ना बालों में तेल लगा लूँ, तेल की मालिश कर लूँ, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि अनुष्का आ जाए तो अनुष्का से ही करा लूँ, या फिर देखती हूँ अपने आप करूँगी। लेकिन ना मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं था कि मैं बालों के काम में लगूँ, क्योंकि ना मैं जब नहाने के बाद आती हूँ ना तो मुझे लगता है कि फटाफट से पूजा करूँ और कुछ खा लूँ। मुझे बहुत मतलब नहाने के बाद मुझे होता है खाने का कुछ, ये नहीं है कि मुझे खाना खाने का ही मन होता है। अगर खाने का टाइम है तो फिर खाना खा लेती हूँ, अगर जल्दी पूजा हो जाती है तो फिर चाय वगैरह पी लेती हूँ, कुछ ले लेती हूँ चाय के साथ। तो अभी तो टाइम खाने का ही हुआ है, क्योंकि 11:45 बज रहे हैं, तो इस टाइम तक तो गांव में खाना खा ही लेते हैं सभी। तो पहले मैं खाना खाऊंगी, पूजा वगैरह मेरी हो गई है, और जो कपड़े मुझे हाथ से धोने थे ना वो मैंने धो दिए, 2-4 कपड़े थे जो कि मुझे हाथ से धोने थे, और बाकी के कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। और जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे वो अभी सूख गए हैं, वैसे सूख गए हैं, तह बनाने के लायक हो गए हैं, लेकिन अभी मैं उतार के नहीं लाई, क्योंकि अगर मैं उनको उतार के लाती ना तो फिर मुझे लगता है कि इनकी तह भी करके रख दूँ, है ना। तो मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं उतारती हूँ, अगर मैंने उतार लिया तो फिर मैं लग ही जाऊँगी काम में, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो मैं पहले बनाऊँगी खाना, और खाना खाने के बाद फिर मैं उन कपड़ों को उतार करके लाऊँगी, तह करूँगी। वैसे ना उधर अभी इतनी धूप नहीं आ रही है, ऐसी 10-10:30 बजे तक ही धूप आती है, लास्ट 11 बजे तक आ जाती होगी, लेकिन जल्दी ही उधर से धूप भी चली जाती है। तो कलर वगैरह ख़राब होने का तो कोई डर नहीं है, मैंने कहा अगर धूप आती हुई तेज़ होती तो फिर लगता कि नहीं उतारे लेते हैं, क्योंकि कलर भी थोड़े ख़राब हो ही जाते हैं धूप से, तो ऐसा कोई डर नहीं है। तो मैंने कहा चलो इनको बाद में ही करते हैं, पहले खाना बनाते हैं। और बताना मुझे किस किस को लगता है ऐसा कि नहाने के बाद तुरंत कुछ खाने को होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जल्दी से कुछ खा लूँ। तो अभी ना वैसे तो सारा काम तैयार है खाने का, सब्जी वगैरह सब कुछ तैयार है, बस मुझे अपने लिए पराठे सेकने हैं। आज मैं पराठे ही बनाऊँगी, पराठे ही अनुष्का को दिए थे लंच में, और अपने लिए बनाऊँगी। अनुष्का के पापा जी तो शायद पराठे नहीं खाएंगे, उनको कम पसंद है, तो वो जो बोलेंगे उनके लिए वो बना दूँगी। तो फटाफट से चलती हूँ, बनाती हूँ खाना और खाती हूँ, और मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी सी देर में। देखिए पराठे बन गए हैं, पराठे मैंने बना लिए हैं, और इधर है बूंदी का रायता, और इधर रखी है सब्जी। और सब्जी ना आज आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बनी है, और बहुत बहुत दिनों बाद बनी है ये वाली सब्जी, क्योंकि ना ज़्यादातर फूल गोभी की ही सब्जी बनती है, लेकिन मुझे ना ये पत्ता वाली गोभी जो होती है ना इसकी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्या था कि सब बोलते हैं ज़्यादातर कि इसमें कीड़ा होता है, ये है वो है, जिसकी डर की वजह से हमने ये बहुत दिनों से नहीं बनाई। लेकिन फिर मेरा मन हुआ, मैंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा, पहले ना बना लेते हैं। और मैंने उस दिन सब्जी वाले भैया आए थे तो मैंने ले ली थी ये। तो ये देखिए मैं यहाँ पर थाली लगा रही हूँ, आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए,
सादा सिंपल सी खा लीजिए और फिर खाकर बताइए कि कैसा बना है। तो सबके लिए मैं यहाँ पर थाली लगा रही हूँ। रायता और ले लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ा सा ही रायता लूँगी मैं। ये देखिए, तो रायता भी कर लिया है मैंने, ठंडा ठंडा रायता, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी ना चाय। और मैंने फिर सोचा, मैंने कहा ये सब्ज़ी वाले भैया इतनी गोभी लेकर आते हैं, ये भी तो कोई खाते ही होंगे, कहीं तो बिकती ही होगी। मैंने कहा चलो फिर हम भी ले लेते हैं, कहीं नहीं, पहले नहीं खाते थे, पहले खूब खाते थे। और नहीं मतलब वही है कि सब बोलते थे ना, उस वजह से मैं डर गई थी। तो चलिए जी, थाली लग गई है, आ जाइए आप सब भी खाना खाने के लिए। अंदर रूम में ही लेकर के जाऊंगी, क्योंकि ना बिना पंखा के तो एक मिनट भी बैठा नहीं जाता। तो मैंने कहा चलो अंदर ही चलते हैं। और इस कमरे में ना लाइट भी बंद है, अभी जलाती हूँ लाइट भी। देखिए अनुष्का ने क्या कर रखा है, कहाँ पर अपना हेयर बैंड लगा रखा है, ऐसा करती है अनुष्का, नई नई खोज करती है ये लड़की। तो लाइट जल गई है, पंखा भी चला लेती हूँ, और लाइट वैसे चली गई है, अब लाइट नहीं आ रही है। तो खाना वगैरह बनाने के बाद अनुष्का के पापा जी का मैंने टिफ़िन लगा कर दिया है, मतलब दिया नहीं है, भैया खड़े हुए थे, उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सामान दे रही थी, वो लेकर के जा रहे थे। और जो बचा था ना ये कट्टे वगैरह, तो उनको मैं अंदर रखने जा रही थी। तो ऊपर से खाना वगैरह पैक करने के बाद मैं नीचे आ गई थी, और इधर मैंने कहा चलो इनको भी साथ के साथ रखे देती हूँ, फिर ना ये बाहर ही पड़े रहेंगे। तो मैंने कहा चलो इस काम को भी ख़त्म कर देते हैं, क्यों पीछे के लिए छोड़ा जाए। और मैं यहाँ पर देख रही थी लहटा, जो लहटा मतलब सरसों निकल के आई थी, मैं उसको देख रही थी। मैंने कहा कैसी है कैसी नहीं है, तो इसमें ना दो तरह की सरसों मिक्स हो गई है, पीली और काली। तो मैं वही यहाँ पर वो कर रही थी, क्योंकि इससे हमारे हम तेल बनवाएंगे ना, तेल निकलवाएंगे। तो मैं देख रही थी एक बार, और मैं यहाँ पर जो सामान था उसको रख करके और मैं फिर ऊपर जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर देख रही थी और रख रही थी सामान को। Thank you.
तो गाइस अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और ना अनुष्का स्कूल से आ गई है और अनुष्का को अभी आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हुआ है। अनुष्का यहाँ पर लेटी हुई है, ये देखिए अनुष्का ने खाना वगैरह खा लिया है, मैंने इसको खाना बना करके दे दिया है, खा लिया है और अभी लेटी है, आराम कर रही है। पंखा चल रहा है गर्मी की वजह से, है ना, बिना पंखे के तो बैठा ही नहीं जाता। और टाइम हुआ है इस समय 4:10 बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 4:10 बाकी हैं। तो मैं सोच रही हूँ अपने बालों में तेल लगा दूँ और बालों को कंघी कर लूँ, करना क्योंकि खुल रहे हैं और गर्मी भी ज़्यादा लगती है और मैंने चोटी भी नहीं की थी तब, और जब मैं लेटी थी ना तो मैंने क्लेचर निकाल दिया था, क्लेचर लगा करके मैं लेटा नहीं जाता तो वह निकाल दिया था। तो मेरा मन है कि बालों को कंघी करूँ और चोटी कर लूँ और फिर बनाऊँगी चाय। चाय का टाइम हो रहा है तो अपने टाइम पर चाय की बड़ी ज़्यादा वो होती है, मतलब मनसा करता है अपने टाइम पर चाय का, तो चाय बनाऊंगी, पहले बाल कंघी करूंगी उसके बाद चाय बनाऊंगी। कपड़े मैंने उतार लिए हैं जो मुझे तय करने हैं, तो वो वाला काम अब मैं ख़त्म करूंगी और इस वीडियो का ना मैं एंड भी करूंगी क्योंकि वीडियो बन गया है। बाल ना बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उलझ रहे हैं बाल, क्योंकि ना बालों में तेल नहीं लगता है ना तो बाल ना और भी ज़्यादा उलझे से रहते हैं। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। और मैं ना हट गई थी और 2-2.5 घंटे तो आराम से मैं लेटी रही हूँ, आराम किया है मैंने। तो चलो अब इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।